गांधीनगर पब्लिक स्कूल में हार्टफुलनेस शिक्षा का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की शिक्षा पद्धति को और अधिक विकसित तथा प्रभावशाली बनाना रहा। वहीं कार्यशाला में सभी का उद्देश्य शिक्षा पद्धति को कार्यशाला में सभी का उद्देश्य शिक्षा पद्धति को उच्च कोटि का बनाना था और छात्र छात्राओं के विचारों को सकारात्मक बनाना था। इस कार्यशाला में विभिन्न तरीकों से शिक्षा पद्धति को अति उत्तम बनाने के लिए प्रयोगात्मक विकल्प जैसे नृत्य और व्यायाम के माध्यम से समझाए गए। सभी अध्यापक व अध्यापिकाओं ने इस कार्यशाला में बहुत उत्साह व जोश से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये कार्यशाला 9 बजे से शाम 5 बजे तक चली। अंत में विद्यालय की प्रधानाचार्य शशि शर्मा जी ने सभी को आभार व्यक्त किया और सभी अध्यापक व अध्यापिकाओं को भी अति उत्तम शिक्षा पद्धति को कक्षा में छात्र व छात्राओं के समक्ष अपनाने की अपील की। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक रवि कुमार सिंह, प्रधानाचार्य शशि शर्मा एवं उप प्रधानाचार्य गुरविंदर कौर, विनय शर्मा, अल्पना गुप्ता आदि उपस्थित रहे। इस कार्यशाला का संचालन श्री रामकृष्ण, डॉक्टर नवीन सिंह, डॉक्टर साधना सिंह, पिंकी पठानिया, प्रीति शर्मा, रोहित जैन, अजय जैन, सविता भारती ने किया। हमारी क्लास से तेरे बच्चे हैं, मैं भी क्लास का पार्ट हूँ। ये हमारे का टीचर ऑफ द क्लास, दैट मींस आई एम आल्सो पार्ट ऑफ द क्लास एंड आई एम द रोल मॉडल फॉर माय स्टूडेंट्स। सो इफ आई से डिसिप्लिन, एम आई आल्सो डिसिप्लिन? डिसिप्लिन पहले मुझे दिखाना ना, मैं सिर्फ बच्चों से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। रिस्पेक्ट, कि बच्चों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। क्या मैं बच्चों को रिस्पेक्ट दे रही हूँ? अगर मैं उनको दे रही हूँ तो मैं हर अध्ययन उनसे रिस्पेक्ट दूँ, और अगर मैं नहीं भी दे रही तो अगर मैं उनके लिए कोई एग्जाम्पल नहीं बन रही हूँ, मैं रोल मॉडल नहीं बन रही हूँ, तो क्या बच्चे मुझे रिस्पेक्ट करेंगे? वो बिल्कुल वही करेंगे जो आप कर रहे हैं, आपको फॉलो करेंगे। कृष्ण के लिए और उनकी टीम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ये वर्कशॉप